हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 दोस्तों हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। किसी भी ह्यूमन के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मतलब जो होने वाली संतान होगी वो पुत्र होगी या पुत्री होगी, वो कैसे निर्धारित होगा, वो आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, मानव की हर एक कोशिका में आपको पता है कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, चाहे वो शुक्राणु कोशिका हो, चाहे वो किसी भी कोशिका, कोई भी कोशिका हो। तो देखिए, ओवरऑल यदि बात करें तो मानव में प्रत्येक कोशिका में क्या होता है कि 23 जोड़े गुणसूत्र, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। तथा जो 23वां जोड़ा होता है वो असमान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको यहाँ पे समझना है। कई बार एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि जो 22 जोड़े समान गुणसूत्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। तो जो 22 जोड़े समान गुणसूत्र होते हैं उनको तो ऑटोसोम कहते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है वो असमान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो बेसिकली नर में 23वां जोड़ा क्या होता है, असमान होता है, जो कि XY होता है, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। चलिए अब यदि बात करें यहाँ पे, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मानव की हर एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े क्या होते हैं, समान होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है वो असमान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब यदि बात करते हैं हम दोस्तों कि नर में, तो नर में देखिए जो मेल होता है, मेल में 23वां जोड़ा जो होता है उसमें एक यक्ष गुणसूत्र होता है तथा दूसरा जो है वायु गुणसूत्र होता है, मतलब दो ही गुणसूत्र होते हैं 23वें जोड़े में, जिसमें से एक यक्ष होता है और दूसरा क्या होता है, वायु होता है। जबकि मादा में यदि हम बात करते हैं, तो मादा में जो 23वां जोड़ा होता है उसमें गुणसूत्र समान प्रकार के होते हैं, मतलब यक्ष यक्ष मतलब जो गुणसूत्र होते हैं वो यक्ष यक्ष होते हैं। तो जो 23वां जोड़ा होता है उसमें जो दोनों गुणसूत्र होते हैं वो यक्ष होते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि नर में जो 23वां जोड़ा होता है वो यक्ष और वायु होता है गुणसूत्र, और जो मादा में 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है, यक्ष यक्ष होता है। इतनी चीजें क्लियर। अब इसके बाद देखिए, यदि हम बात करते हैं किसी भी मेल के अंदर, तो मुख्य रूप से मेल के अंदर यदि हम बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार के शुक्राणु बनेंगे। एक तो वे बनेंगे जिनमें 22 प्लस यक्ष प्रकार का युग्मक बनेगा, और जिसमें और दूसरा गुणसूत्र कैसा रहेगा, दूसरा शुक्राणु वो रहेगा जिसमें 22 प्लस वायु प्रकार का गुणसूत्र पाया जाएगा। और इसके विपरीत यदि हम बात करें किसी भी फीमेल में, यानी किसी भी मादा में यदि हम बात करते हैं, तो मादा में जो सभी अंडाणु होंगे उसमें 22 प्लस यक्ष गुणसूत्र ही बनेंगे, मतलब 22 प्लस यक्ष और 22 प्लस यक्ष, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 44 प्लस यक्ष यक्ष, मतलब 44 हो गए टोटल, और 45वां और 46वां जो गुणसूत्र होगा, यानी कि जो 23वें जोड़े का गुणसूत्र है वो क्या होगा, समान होगा। लेकिन पुरुषों में ये समान नहीं होगा, इसलिए पुरुषों में एक तो क्या बनेगा, 22 प्लस यक्ष बनेगा, और दूसरा गुणसूत्र कैसा बनेगा, 22 प्लस वाला गुणसूत्र बनेगा। अब कंडीशन यहां पे क्या है कि देखिए, निषेचन जब होगा इनमें, तो निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो होने वाली संतान जो है पुत्री होती है। अब देखिए, यदि कोई भी अंडाणु मादा के, यदि कोई भी अंडाणु उसका यदि यक्ष वाला गुणसूत्र जो है किससे मिलता है, वो किसी भी यक्ष गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है, तो मादा का जो अंडाणु है उसमें तो यक्ष यक्ष ही रहेंगे, तो उसका जो यक्ष गुणसूत्र है वो किससे यदि मिलता है, वो यदि नर के शुक्राणु में जो यक्ष गुणसूत्र है। देखिए, जब निषेचन होगा तो किसी भी महिला का जो अंडाणु है तो उसके अंडाणु से यदि यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो अंडाणु में तो यक्ष यक्ष गुणसूत्र ही रहेगा, लेकिन उससे उस यक्ष यक्ष गुणसूत्र से यदि यक्ष वाला गुणसूत्र जो होता है मानव में, तो यदि उसका शुक्राणु मिलता है, मतलब यदि यक्ष वाला गुणसूत्र का शुक्राणु मिलता है किसी भी अंडाणु से, तो होने वाली संतान क्या होगी, पुत्री होगी। मतलब किसी भी अंडाणु से यदि यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो होने वाली संतान क्या होती है, पुत्री होती है, यानी कि बेटी होती है। लेकिन यदि इसके विपरीत हम बात करें, यदि हम बात करते हैं जब किसी अंडाणु से वायु गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, अब चूंकि हमने आपको क्या बताया कि जो मेल होता है मेल में दो प्रकार के शुक्राणु बनेंगे, एक तो यक्ष और दूसरा वायु, तो जो 23वां जोड़ा होता है उसमें तो एक यक्ष होता है और दूसरा वायु शुक्राणु होता है, तो यह आप कह सकते हो कि जो
फीमेल होती है, फीमेल का जो अंडाणु होता है उससे यदि बाह्य गुणसूत्र वाला शुक्राणु यदि मिलता है निषेचन के समय, यदि मादा के अंडाणु गुणसूत्र वाले में से यदि बाह्य गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब होने वाली संतान क्या होगी, पुत्रिया की बेटा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उसमें से जो 22 जोड़े होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, और 23वां जोड़ा कैसा होता है, असमान होता है, जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब देखिए नर के जो 23वें जोड़े के गुणसूत्र होते हैं तो उसमें यक्ष और बाह्य गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि जो मादा का 23वां जोड़ा होता है उसमें यक्ष यक्ष प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब जब निषेचन होगा तो यदि मादा का यक्ष गुणसूत्र वाला अंडाणु जो है यक्ष गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलेगा तो होने वाली संतान क्या होगी, पुत्री या की बेटी होगी। लेकिन यदि किसी भी मादा का जो अंडाणु है वो बाह्य गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलती है तब होने वाली संतान क्या होगी, पुत्रिया की बेटा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नर का जो 23वां जोड़ा होता है वो मानव में लिंग का निर्धारण करता है, क्योंकि मानव के 23वें जोड़े के कारण ही तो पुत्र और पुत्री का निर्धारण हो रहा है। 23वां जोड़ा यदि यक्ष गुणसूत्र के साथ मिल रहा है तो होने वाली संतान क्या होगी, पुत्री होगी। लेकिन यदि नर का 23वें जोड़े में जो बाई वाला गुणसूत्र है इसके शुक्राणु यदि मिलेंगे अंडाणु से तो होने वाली संतान क्या होगी, नर होगी। अब इसको आप यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, मतलब आप इसको चार्ट के माध्यम से यहाँ पे अब समझ सकते हैं। तो ये देखिए ये मानव में लिंग निर्धारण का ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि नर है और मादा, तो नर में जैसा कि आपको पता है कि 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाएंगे, और वहीं यदि मादा के कैरियोटाइप की बात करते हैं तो मादा में 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाएंगे। नर में कौन है, 44 प्लस एक्स वाई है, और मादा में क्या है, 44 प्लस एक्स एक्स। तो देखिए 44 का मतलब है कि 22 जोड़े, तो 22 जोड़े तो समान है, लेकिन जो 23वां जोड़ा है वो कैसा है, यक्स वाई है। वहीं मादा में देखिए मादा में भी ये 22 जोड़े कैसे हैं, समान है। 23वें जोड़े में भी क्या होते हैं, दोनों यक्स यक्स गुणसूत्र होते हैं। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि इसके दो प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, एक तो 22 प्लस एक्स इसको आप अलग कर सकते हो और बाई वाले को आप अलग कर सकते हो। तो एक में आपको क्या कर देना, यहां पे 22 यानी 22 प्लस एक्स और यहां पे 22 प्लस बाई, उसी प्रकार इसमें एक्स एक्स ही है तो एक बार एक्स 22 के साथ आ जाएगा, इसका आधा कर दीजिए आप, 44 गुणसूत्र है तो 22 जोड़े कर दीजिए, तो 22 जोड़े गुणसूत्र और प्लस 23वें जोड़े का एक यक्ष है, और वहीं फिर से इसमें 22 जुड़को 22 गुणसूत्र हो गए, और यहाँ पे भी 23वें जोड़े का कौन सा गुणसूत्र है, यक्ष गुणसूत्र, तो ये हो गया। अब जब इनका आपस में हम क्रॉस करा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के यहाँ पे 44 प्लस एक्स एक्स बन रहा है। जहाँ पे यक्ष यक्ष आपको नजर आएगा तो वहाँ पे यक्ष यक्ष का मतलब क्या होता है, यक्ष यक्ष का मतलब होता है पुत्री, और यदि यक्ष बाई दिख गए आपको, यक्ष बाई का मतलब क्या होता है, पुत्रिया की बेटा। तो देखिए जो होने वाली संतान होती है उसमें से जो 50% संतानें होती है वो पुत्री हो सकती है, और 50% ही चांस है कि होने वाली संतान क्या हो सकती है, पुत्र हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जो मानव में लिंग निर्धारण होता है उसमें आपको ध्यान में रखना है कि मानव में हर एक कोशिका में जो होती हैं वो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं यही 23वां जोड़ा ही मानव में लिंग का निर्धारण करते हैं। और 23वें जोड़े के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें से जो नर के गुणसूत्र हैं उसमें 23वें जोड़े में से एक यक्ष होता है और दूसरा बाह्य गुणसूत्र होता है, जबकि मादा का जो 23वां जोड़ा होता है उसमें दोनों आप यहां पे देख पा रहे हैं यक्ष यक्ष ही होता है। अब देखिए यदि यक्ष वाला यदि क्रिया करता है यक्ष से तो यक्ष यक्ष बनेगा, वहीं यदि यक्ष वाला फिर यक्ष से करेगा तो यहां पे भी यक्ष यक्ष बनेगा, लेकिन बाई वाला यदि इस वाले यक्ष से करेगा तब भी यक्ष वाई बनेगा, और ये बाई यदि इस वाले यक्ष से करेगा तब भी यहां क्या बनेगा, यक्ष वाई बनेगा। तो कुल मिलाकर के यहां पे जो नई संतानें बनेंगी उनमें भी कितने गुणसूत्र होंगे, उनमें भी 44 प्लस यक्ष यक्ष होंगे या तो 44 प्लस यक्ष बाई होंगे। यदि कोई भी मान लीजिए यदि कोई भी मेल बन रहा है, मतलब कोई भी यदि पुत्र बन रहा है तो उसमें 44 प्लस यक्ष बाई होंगे, और यदि कोई पुत्री बन रही है तो उसमें कितने गुणसूत्र होंगे, 44 प्लस यक्ष यक्ष गुणसूत्र होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मानव में लिंग निर्धारण है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों वीडियो छोटी सी है लेकिन कई बार आपके पेपर में पूछी जाती है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।